अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आपका अपना फेवरेट चैनल अलमीम एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। और देख रहे हैं टॉप क्वालिटी, जिसको बोलते हैं ना खसरी बकरे, के खसरी बकरे किसको बोलते हैं, ये जो है हम आपको दिखाएंगे। देखिए, आपके लिए, आपका शौक़ पूरा करने के लिए हमें काफ़ी लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। मैं जो हूँ एक वक्त मौलीपुर में, गुजरात में, आजवा गोट फार्म पर, और मेरे साथ जो है आजवा गोट फार्म के ओनर सुफियान भाई है। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सुफियान भाई, एक आजवा और अलमीम का बॉन्डिंग जी बिल्कुल, माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, आमीन, आमीन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान भाई, हमें साथ काम करते हुए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, अल्लाह और लंबे तक रखे, अल्लाह तादर कायम रखे, कायम रखे माशाल्लाह। सुफियान भाई, कुछ बहुत अच्छे अच्छे बकरे जो निकाले हुए हैं जी, माशाल्लाह चीज़, माशाल्लाह। सुफियान भाई, कुछ 5 महीने पहले जो है हमारी सीरीज रन हुई थी जी, और तब से जो है हमने आई थिंक सुफियान भाई 5 महीने भी नहीं हुए, 3.5 महीने, 3 साढ़े 3 महीने है ना, ईद के 1.5 महीने के, 1.5 महीने के बाद तो 3.5 महीने हुए हैं। और हमने जो है शुरुआत किया था, पलाई की सीज़न स्टार्ट करी थी जी जी। सुफियान भाई, उस टाइम पर हमारे पास जो भी बकरे अवेलेबल थे सारे बकरे बिक गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। और उसके बाद वो पलाई पर अजवा पर थे जी। मैंने सुफियान भाई, अभी जो यहाँ पर मौलीपुर आना हुआ जी, अबू बकर गोट फार्म का भी शूट था जी जी, तो उस वजह से तो मैंने सोचा आपको एक रेंडमली विजिट करा दूं जी, और थोड़ा कस्टमर को अपना जो फार्म की पलाई, अजवा की पलाई, उसका अपडेट दिखाना था जी। बताइए सुफियान भाई। सुफियान भाई देखो, अभी तो हालांकि जो मौसम गुजरा है वो बकरों के एतबार से तो बिल्कुल सही मौसम नहीं था इस साल, तो मानसून लंबा चला, मानसून लंबा चला, और मानसून के अंदर बकरा हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, यानी वो बारिश फिर वो मक्खी वगैरह सारी चीज़ें रहती है। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाली ये शो करवाने के लिए कि भाई क्या रिजल्ट है अजवा का, क्योंकि अजवा का जो मीनिंग था सुफियान भाई, पलाई के, यानी पलाई का वीडियो बनाने का जी, क्योंकि पलाई के बकरे तो अजवा के देखे थे, 4 साल से बिक रहे थे, आ रहे थे मार्केट में, लेकिन रिजल्ट आज तक तो आया नहीं था बिल्कुल। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान भाई 3.5 महीने हुए हैं, और समझो कि बकरों के एतबार से ऑफ सीजन था, वेट गेनिंग का ऑफ सीजन था। हाँ, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा वेट गेन हमारे यहाँ पर आया है। ये सैंपल के बकरे हैं सुफियान भाई, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 203-204 बकरे पलाई के हैं, हर एक को बताना मुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है। ये कुछ सैंपल के बकरे निकाले अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान भाई, ये बकरा है, इसने तकरीबन सुफियान भाई 3.5 महीने के अंदर 13 किलो जैसा वेट गेन किया है। 13 किलो, 13 किलो वेट, यानी 4 किलो तो ऑफ सीजन में भी आया। ऑफ सीजन में जिसमें बिल्कुल वेट गेन नहीं आता सुफियान भाई, इसके अंदर खाली बकरा वेट मेंटेन कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, उसमें ही जीत हो जाती है, उसमें ही जीत हो जाती है, सही है। और ये जो अबलग में गुजरी है सुफियान भाई, ये 75 kg पर मैंने दिया था, 75 kg पर दिया था, 5 kg पर, अभी 90 kg के ऊपर है, अभी 90 kg, उसको थोड़ा उधर भगाइए। सुफियान भाई, ये बकरा मैं जानता हूँ, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे जी, जी, जी। लेकिन जो ओनर है जिन्होंने खरीदा था, हाँ, वो मुंबई से है, मुंबई और से है, काफी बकरा इंडस्ट्रीज के फेमस बंदे, फेमस बंदे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक रखते हैं, अच्छा शौक रखते हैं, उनको हर कोई जानता है, और मुंबई से है। और देखिए, हमने भी पूछा नहीं है तो हम नाम नहीं बता रहे, लेकिन लोग बड़े बड़े बकरे की कुर्बानी और कुर्बानी करते हैं, अच्छी कुर्बानी, और शौक यानी खूबसूरत और बनावट वाली कुर्बानी, उनको बनावट वाले बकरे समझ में आते हैं। ओके सुफियान भाई, ये किसका बकरा है? सुफियान भाई, ये भी मुंबई से बकरा है, ये भी मुंबई से, ये भी मुंबई। अच्छा सुफियान भाई, वो वाला जो था वो अभी हुआ कितना दिया था? अभी 90 kg के ऊपर है, 90 kg वजन, तो मैंने खुद देखा जी। कितने पर दिया था हमने? 75 पर दिया था, 75 kg पर दिया था जी। ओके, और अभी 90 यानी 15 kg, 3.5 महीने जी जी, फेयर इनफ अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान भाई, असल वेट गेनिंग अब आएगा, असल वेट गेनिंग अब आएगा, ये 4-5 महीने जो वेट गेनिंग के है ना, असल महीने ये है। ओके, इसके अंदर इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त वेट गेन आएगा इंशाल्लाह जी। ओके, क्योंकि सुफियान भाई, बारिश में कैसा रहता है कि जो गोतर वगैरह रहता है ना, वो भी कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं आता। ओके, और वो पत्ती की सीजन भी यानी खत्म हो चुकी होती है, पत्ती भी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी वाली नहीं रहती है। और दूसरा के वेदर ऐसा रहता है कि बकरा मुरझाया हुआ ही रहता है पूरे 3-4 महीने। देखिए, पानी बारिश का ना लगे, लेकिन हाँ, बकरों को मानसून पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है उनको। लेकिन अभी इंशाल्लाह, अब जो है ना सुफियान भाई, ये तो अभी इंशाल्लाह हम बना रहे हैं,
दो तीन महीने के बाद या एक डेढ़ महीने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हो कि फार्म का रिन्यूवेशन का काम डेढ़ महीने से चल रहा है सुफियान। कंटिन्यू चालू है, हम खुद लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये काम भी 15-20 दिन में यानी फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक महीने के बाद इंशाल्लाह हमारा एकदम धमाकेदार ओपनिंग भी होगा इंशाल्लाह, उसका वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये रिजल्ट के तौर पे खाली बस सैंपल के तौर पे अभी दिखाना मकसूद है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जुआ का ये रिजल्ट है। सुनो ना, अभी पलाई चालू है? हाँ, चालू है। बकरे ले रहे हैं? बकरे ले रहे हैं। कितनी जगह अवेलेबल है अभी सुफियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो मेरे कैपेसिटी 1000 बकरों की है। ओके, ये अभी 250-300 बकरे हैं, फैला फैला के रखे हैं, ये बाहर के बाड़े बन जाएंगे, उसके बाद 300-400 की और स्पेस खाली हो जाएगा अपने यहाँ पर। ओके, आसवंद ये भी मुंबई से है? हाँ, ये भी मुंबई से है, और ये मुंबई से है, ये सूरत से है, ये हमारा आउट ऑफ कंट्री से है, हमारे भाई है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बकरा सुफियान भाई जब हमने इसका रील डाला था, हाँ जी, उससे पहले ये बकरा बिक चुका है। सुफियान भाई ये बकरा अभी तक मांग रहे लोग, अभी तक इसका कलर ब्यूटी। ओके, सुफियान भाई ये क्या, मेरे को यहाँ तक बोला कि भाई ओनर को पूछ लो जिसने खरीदा है, वो जो पैसे ऊपर के देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन जिन भाई ने लिया है उनको भी आप जानते हैं, आपके थ्रू से ही है वो। वो अभी देखिए, वो बेचेंगे तो सही, हाँ जी, लेकिन अभी नहीं बेचेंगे, अभी नहीं देंगे। ओके, माशाल्लाह सुफियान, ये बकरे की खासियत जो थी ना, इसका कलर जी, और बकरे ने रिजल्ट भी दिया है, रिजल्ट भी। अभी कितना हुआ सुफियान भाई? ये सुफियान भाई अभी 80+, हाँ 80+ है, 80+। इसमें सुफियान भाई थोड़ा चमड़ी का डिसीज हो गया था, बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो जाता समझो कि ये 85-86 केजी के ऊपर चले जाना चाहिए। वो तो वैसे भी सुफियान भाई एक महीने में, ये महीने में कवर अप, हाँ, ये कवर कर लेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा इसका तो कलर रूप रंग ही पूरा कुछ और सीन है माशाल्लाह। बहुत अच्छा चीज है ये, ये आएगा इन फ्यूचर बिक्री में, आएगा। तो आप आजवा से बने रहिएगा, वो आपको मिलेगा। ओके, सुफियान भाई ये बकरा अपने यहाँ से नहीं है? नहीं, ये पार्टी ने दिया था सुफियान भाई, सूरत से है हमारे भाई। ओके, ये उन्होंने दिया था बकरा। ओके, कहीं से खरीदा था? हाँ, और ये बकरा सुफियान भाई कैसा था कि ट्रैवलिंग कर कर आया, बीमार हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ का बकरा नहीं था। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट के बाद सही हो गया, वेट गेनिंग के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने किया है, और अब ये समझो कि अब ये सीजन इनके लिए अब बहुत बेहतरीन सीजन शुरू हो। और मेन चीज है ना सुफियान भाई, ये बड़ा मुंडा वाला जी, आप ये जो बकरा बनावट पे चढ़ा हुआ है, हाँ, बाकी अभी ये चार बकरे में देख रहा हूँ, अभी इनमें जगह बहुत बाकी है, बहुत जगह बाकी है। ये अभी 6 दांत शायद अभी इसने किए होंगे सुफियान भाई, ये बकरे ने, हाँ 6 दांत किए हैं, अभी लगा है माशाल्लाह। इसकी चमड़ी पूरी लूज है अभी, इसमें भी जगह है, बहुत बाकी जगह के तो बिल्कुल खाली है अभी, खाली ये बकरे तो और खुलेंगे जी, क्योंकि इनमें जगह अवेलेबल है बढ़ने के लिए माशाल्लाह। अच्छा सुफियान भाई, लोगों का कहना रहेगा कि 200 बकरे की बातें करते हैं लेकिन दिखा रहे 5 बकरे सुफियान भाई, तो हम लोगों को थोड़ा बताएं, रिनोवेशन चालू है जी, और रमजान सीरीज में भी तो लोगों के लिए कुछ रखेंगे, बाकी भी रहना चाहिए ना सुफियान, ये तो कुछ भी नहीं है और आएंगे, और तो बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान भाई हमने अंडूल की भी पलाई स्टार्ट कर दी है, अंडू की पलाई, उसके केज बनने शुरू हो चुके हैं, 5 बकरे अंडू के अपने पास पलाई के ऊपर आ चुके हैं, यानी वो पूरा धमाकेदार एक ओपनिंग होगा सुफियान भाई इंशाल्लाह। सुफियान भाई माशाल्लाह, चलिए एक बार हम जो है वंस अगेन लोगों को अजवा की पलाई बता दीजिए, कितना चार्जेस है पलाई का? सुफियान भाई हमारी 2500 रुपये पलाई चार्जेस है। 2500 रुपये जी। ओके, आप कोई भी साइज रही? जी कोई भी साइज, कोई भी साइज पर जी। ओके, और आंडू की? आंडू की सुफियान भाई हमने सोचा है कि भाई केज बन जाएंगे, तो केज के अंदर पालने के लिए 3000 रुपये, केज में पालने का 3000, 3000 रुपये, और खूंटे पे पालने हैं तो 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये। ओके, सुफियान भाई एक चीज़ पूछना ज़रूर चाहूँगा, अजवा की फीड क्या रहता है? सुफियान भाई फीड में तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँ कि अपना फीडिंग के अंदर ज़्यादातर मेरा पूरा फीड आता है हिम्मत नगर मुंशी, न्यू मुंशी ट्रेडर्स में से, इंजमाम भाई के यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह फीड के अंदर आपको बताऊँगा कि उनका हमने पैलेट शुरू किया है और उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है सुफियान भाई। ओके, ये जो आपको बकरों में रिजल्ट नज़र आ रहा है ना, ये समझो कि हालांकि मेरा तो 3 साल से वहाँ से ही पूरा फीड का सारा कामकाज है। ओके, तो पैलेट वहाँ से शुरू है मेरा, उसका भी बताएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा घोड़ा जीरा है दाने में, और गेहूं है, और अभी सोयाबीन स्टॉक हुआ है अभी, और इसके अलावा अभी सर्दी शुरू होगी सुफियान भाई तो बाजरी है, और गवार दाना है, और इसके अलावा फिर सरसों का तेल है। सुफियान भाई ऐसे कोई फार्म वाला जी अपनी
अपना फीड नहीं बताता। हाँ सुफियान भाई, लोग इसको छुपा हुआ रखते हैं, पता नहीं क्यों छुपा हुआ रखते हैं। ये ओपन करने में सबका ही फायदा है सुफियान भाई। देखिए आप देखिए, कम बकरे भी पाल रहे हो ना। हाँ तो अच्छा है कि कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलो, हमने भी सुफियान भाई ये अब जो फार्म शुरू किया ना, तो इंजमाम भाई से बहुत सारी चीजें सीखी है हमने फीड के रिलेटिव। ओके, क्योंकि वो अपने को अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस देते रहते हैं कैसे फीड देना है, कैसे क्या करना है, कब यानी लिवर टॉनिक। और उनका तो कैसा है सुफियान भाई, फीड के अंदर बोलो तो लिवर टॉनिक ऐड करके देते हैं वो। किसके अंदर? ये फीड के अंदर, पैलेट फीड के अंदर लिवर टॉनिक ऐड करके देते हैं। अगर आप अलग से बोलो तो वो उसके अंदर बना के देते हैं। यानी आपको एक्स्ट्रा लिवर टॉनिक देने की नहीं जरूरत नहीं, वो दाने में ही लिवर टॉनिक आ जाता है। ओके, सुफियान भाई थोड़ा दिखाएंगे क्या चीज रहती है ये पैलेट जो है। हालांकि मैंने अल्मीम पर भी सुफियान भाई यूज किया। ये सुफियान भाई उनका ये बैग आती है, 40 किलो की बैग आती है ये मुंशी ब्रांड प्रोटीन युक्त। हाँ, और उसके अंदर ये पैलेट रहता है। इसके अंदर सुफियान भाई हमने जो है ना ब्रूटोन मिक्स करके बनवाया है। ये ब्रूटोन मिक्स, इसके अंदर ब्रूटोन ऐड है। ओके, यानी अलग से हमने उनके पास ब्रूटोन ऐड करवाया है। ओके, ताकि बकरे का जो है लिवर टॉनिक का जो काम दाने के साथ साथ हो जाए। ये बकरे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शौक से खा लेते हैं। थोड़ा दिखाएंगे हम इनको, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि बकरे बकरों को खाने का हैबिट पाड़ना पड़ता है। लेकिन ये देखिए आप, आपके सामने कि मशाला खा रहा है। यानी सुबह में सुफियान भाई सबसे पहले हमारे यहाँ पे बकरों को पैलेट दिया जाता है। ये कब देते हैं? सुबह में। सुबह में सबसे पहले पैलेट दिया जाता मॉर्निंग है। मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग में। ये देखो मशाला है। सुबह में जब मैंने मंगाया था जी, तो हमारे तो आंडू बकरे होते हैं। हाँ, मस्ती खोर होते हैं, उनको तो मस्ती चढ़ती है जी, नया खाना कुछ भी दो तो। लेकिन बाद में जो है उनको हैबिट हो गई और अच्छे से खाते हो गए माशाल्लाह। ये आपके बकरे तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं। इसका जो है न्यू मुंशी ब्रांड वेट गेन के लिए क्या बोलता है सुफियान भाई? मैं तो कह रहा हूँ कि यानी उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैलेट ही मिलता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, पैलेट उनके यहाँ से आता है, घोड़ा जीरा इनके यहाँ से आता है, सोयाबीन इनके यहाँ से आता है। यानी समझो कि हमारा 95% फीड न्यू मुंशी ट्रेडर्स में से आता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिजल्ट नज़र आ रहा है ना सुफियान भाई, इसके अंदर न्यू मुंशी ट्रेडर्स का 95% हाथ है। ओके, क्योंकि सुफियान भाई अल्मीम पर भी फीड वहीं से आता है जी, और ट्रांसपोर्ट फीड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया देते हैं। और सुफियान भाई व्यवहार के लिए आदमी एक नंबर है, इंजमाम भाई एक नंबर, एक नंबर आदमी एक नंबर है। मैं तो कहूँगा जितने भी फार्मर है जो दो चार बकरे पालते हैं या जिनके बड़े फार्म है, वो एक मरतबा न्यू मुंशी ट्रेडर्स इंजमान भाई से कॉन्टेक्ट जरूर करें। ओके, सुफियान भाई हम जो है इसके लिए पूरा एक इंजमान भाई का शूट करेंगे जी, विद फुल ऑफ डिटेल्स आएगा। ये तो सुफियान भाई बताने का मकसद ये था कि जो रिजल्ट नजर आ रहा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पैलेट है, इसके अलावा घोड़ा जीरा भी जो हमारा इनके यहाँ से आता है, बिल्कुल सारी चीजें। यानी सुफियान भाई हमारे यहाँ पे दो टाइम दाना होता है बकरों को। एक विजिट जो है हम कराएंगे सुफियान भाई पूरा न्यू मुंशी ट्रेडर्स का, और उनका पूरा एक व्लॉग्स लाएंगे। और हमारे यहाँ पे सुफियान भाई जो है ना दाना बकरों को दो टाइम दिया जाता है, दो टाइम, सुबह में पैलेट देते हैं और शाम को घोड़ा जीरा और गेहूं और मिनरल मिक्सचर और सारी चीजें शाम को। यानी दो टाइम में दाना होता है, इसके अलावा पत्ती है और इसके अलावा जो भी सीजनेबल गोतर वगैरह रहता है। ओके, चलिए हम जो है सुफियान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी पलाई रही, और आगे चल के हम और बकरे और रिजल्ट और सारी चीज़ें दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आप जिस किसी को इंटरेस्ट भी है, आप न्यू मुंशी ट्रेडर्स का भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका पूरा एक वीडियो आएगा। लेकिन वंस अगेन, जिसको जो है ऐसे बकरे तैयार करने हैं, पलाई पर रखना है, आप कहीं से भी हो और आपका बकरा कहीं से भी है, आप सुफियान भाई अभी हमारे पास देने के लिए कोई बकरा अवेलेबल? सुफियान भाई मेरे पास जितने बकरे थे ना अल्लाह के फजल से सारे फार्म के बकरे बुक हो चुके हैं। ओके, अब जिस किसी को भेजना हो तो वो अपना बकरा यहाँ पलाई पे भेज सकता है। अदर मोर डिटेल्स के लिए आप सुफियान भाई का कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।